अगर आपको समोसे कचौरी खाने का मन करे तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। और ये समोसे कचौरी से कई ज्यादा हेल्दी भी है, इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप झटपट ये रेसिपी बना सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगी, कढ़ाई को अच्छे से गर्म करना है और उसमें 2 बड़ी चम्मच तेल डालना है। तेल को भी गरम करके उसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच राई, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच सफेद तिल डालेंगे। इसे नाश्ता में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो आप इसे जरूर डालें। सारे को डाल के इसे चटकने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 इंच के करीब कद्दूकस करा हुआ अदरक। इसे डाल के इसके कच्चापन जाने तक इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। पानी डालने के बाद साथ ही हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करके इसे हम बॉयल होने देंगे। तड़के में अच्छी तरह से बॉयल होने लगे तब इसमें हम डालेंगे गेहूं के आटा। मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं के आटा लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा डाल के लगातार चम्मच से चलाते रहेंगे। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसलिए हम चम्मच से चलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे। मैंने यहाँ पे सारे आटा डाल दिया है और लगातार चलाते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। गैस को लो कर देंगे, उसके बाद इसे हम चलाते रहेंगे, 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे इसे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डो तैयार हो चुका है, एकदम चिकना सा, इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं है। गैस को ऑफ कर देंगे, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 बॉयल आलू कद्दूकस करा हुआ, इसे हम डाल देंगे और खूब सारा हम धनिया पत्ता डालेंगे। इसे डालने के बाद सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसे मसल के हम अच्छे से डो तैयार करेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही मसलना है आपको, ये हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अच्छी तरह से मसलते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसका डो तैयार कर लिया है। डो तैयार करने के बाद रोटी इतना हम एक लोइया लेंगे, इसके हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद हल्के से हाथों से ऐसे प्रेस कर देना है, ना ज्यादा मोटा होना चाहिए ना ही पतला, बिल्कुल इतना ही साइज के आपको बनाना है। दूसरा भी मैं बना के दिखा देती हूँ। बिल्कुल इतना ही साइज के आपको बना लेना है कचौड़ी की तरह। सारे को ऐसे ही हम बना लेंगे। इसे बनाने के बाद एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल गरम कर लेंगे। तेल जब गरम हो जाए अच्छी तरह से, सारे पेड़े इसमें डाल देंगे। एक साथ हम 2 से 3 इसमें फ्राई करेंगे। एक साइड हो जाए, दूसरी साइड हम पलट के मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। इसके हम उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ये फूल चुका है, एकदम कचौड़ी से भी टेस्टी लगेगा, आप ज़रूर ट्राई करिए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए इसे हम बाहर निकाल लेंगे। दूसरा भी मैं बना के दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको बना लेना है, उलट पलट के इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है, उसके बाद इसे हम बाहर निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे नाश्ता बना के रेडी कर ली हूँ। आप इसे हरी चटनी या लाल चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार जरूर ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी, और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए।